Assalamualaikum students, मैं हूँ बाबर मुमताज और सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ स्कूल मॉर्निंग फॉर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे और नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर नंबर 6 के 6.5, 6.1 to 6.3 न्यूमेरिकल किए थे, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ स्टूडेंट्स, वहां से देख के आप 6.1 to 6.3 तक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की प्रॉब्लम 6.4 को हल करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की प्रॉब्लम 6.4 में आकार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर/सेकंड फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में इस प्रॉब्लम में कहता है कि एक कार, ये मैं कार बना देता हूं यहां पर स्टूडेंट्स, एक कार, उसके बाद इस गाड़ी का, इस कार का वेट बताया गया स्टूडेंट, वेट एमडब्ल्यू का वजन बराबर है 12 किलो न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा जो डाटा इसमें यहां पे गिवन है वो है इस कार की स्पीड, यानी कार जो है वो 20 मीटर/सेकंड की स्पीड से हरकत कर रही है। तो आप स्टूडेंट्स क्या कहता है, कहता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहता है मालूम करें, काइनेटिक एनर्जी के ई हमने फाइंड करनी है। तो आप स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हमने डायग्राम से समझ लिया है कि क्या क्या डाटा गिवन है और फाइंड क्या करना। तो आप स्टूडेंट इसका डाटा लिख लेते हैं, डाटा इसका। तो स्टूडेंट, कार का वेट बताया गया वजन W इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। अब स्टूडेंट यहां पे देखें आप लोग, यहां पे यानी न्यूटन के साथ ये जो के इस्तेमाल हुआ है अजाफी तौर पे, न्यूटन तो वजन का यूनिट है लेकिन के स्टूडेंट परिफिक्स है। हमने पढ़ा था कि वो अल्फाज जो ऐसे यूनिट के साथ अजाफी तौर पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें परिफिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे के जो है वो परिफिक्स है, और इस परिफिक्स की कीमत जो है 10^3 होती है, यानी 1000 होती है इसकी। तो इस परिफिक्स की जगह पे स्टूडेंट्स हम 10^3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10^3 पुट करते हैं। इस के की जगह पे स्टूडेंट 10^3 पुट कर देंगे और ये न्यूटन। अब वर्क जो है ऐसे यूनिट में आ गए, पहले स्टूडेंट्स वर्क ऐसे यूनिट में नहीं था। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरा डाटा यहाँ पे क्या बताया गया है, गाड़ी की स्पीड, और गाड़ी की स्पीड जो है स्टूडेंट वो है 20 मीटर/सेकंड। तो स्टूडेंट अब कहता है फाइंड क्या करें, कहते हैं काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करें। तो स्टूडेंट याद करें, हमने काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया था, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी अखज की थी। तो हमने डिफाइन किया था कि किसी जिस्म में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और इसका हिसाबी फार्मूला के ई इज इक्वल टू 1/2 mv². अब स्टूडेंट आप लोग डेटा को गौर से देखें, यहां पे वेलोसिटी तो हमारे पास है लेकिन जिसम का मास नहीं है। जब वजन बताया गया तो हम जिसम का मास जो है मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जिसम का वजन W बराबर होता है मास टाइम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे वेट बताया गया है, गिवन है स्टूडेंट वो है 12 × 10^3 N इज इक्वल टू मास। स्टूडेंट यहाँ पे हमने मालूम करना है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जमीन पर हम कीमत जानते हैं 10 m/s होती है। अब स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं किसी मसावात को एक ही अदद से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उसकी कीमत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा इस मसावात को 10 पर जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 12 × 10^2 kg इज इक्वल टू मास m।
तो अब स्टूडेंट हमारे पास मैथ्स की कीमत आ गई है 12 टाइम 10 की पावर 2 केजी। अब स्टूडेंट हम इस मसावात में मैथ्स की कीमत जो है वो दर्ज कर दें, यानी ये हमारे पास फिर मसावात हो जाएगी के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मैथ्स जो है 12 टाइम 10 की पावर 2 इंटू। अब वेलोसिटी स्टूडेंट देखें यहां पे 20 मीटर की सेकंड है, 20 मीटर की सेकंड, और अब 20 मीटर यहां पे लिखेंगे फी सेकंड और उसका स्क्वायर, ये फार्मूला स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहां पे हमने कीमतें दर्ज कर दी है, ये इससे कैंसिल हो जाए 6 2 टाइम 6 2 6, तो स्टूडेंट अब इसको यहां से इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12 होता है, तो यहां पे 6 10 की पावर 2 यानी 100 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, इसका मतलब है 20 20, तो यहां पे आ जाएगा 400। अब स्टूडेंट इनको हम जरब दे देंगे सभी को, तो यहां पे ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 240 टाइम 10 की पावर 3 जूल। अब स्टूडेंट ये देखिए यहां पे ये जो है ये हम जानते हैं 10 की पावर 3 एक प्रीफिक्स k के बराबर होता है, तो यहां पे 240 टाइम k 240 न्यूटन किलो न्यूटन जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 6.4 का हल निकाला है, अब हम प्रॉब्लम नंबर 6.5 का हल निकालते हैं। तो स्टूडेंट अब इसका डाटा हम गौर से पढ़ लेते हैं एक बार, कि कहता है कि आ 500 ग्राम स्टोन, कहता है कि 500 ग्राम का पत्थर इज थ्रो अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, कहता है कि 15 ग्राम का पत्थर ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया है। पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, कहता है कि मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, और काइनेटिक एनर्जी मालूम करें जब ये जमीन के साथ टकराता है। अब स्टूडेंट्स को भी हम एक एनिमेशन से समझ लेते हैं, यहां पे देखिए स्टूडेंट्स फर्ज किया ये एक 500 ग्राम का स्टोन है, इसको कहता है ऊपर की तरफ फेंका गया, तो जब इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे ऐसे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो स्टूडेंट मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद थोड़ी देर के लिए यहां पे स्टे करेगा, उसके बाद फिर स्टूडेंट ये वापस आएगा यहां पे, और आगे यहां पे आगे जमीन के साथ ये 500 ग्राम का स्टोन जो है पत्थर जो है अर्थ के साथ टकराएगा, अर्थ के साथ टकराएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे इस एनिमेशन में देखें कि स्टूडेंट जैसे स्टोन जो है बुलंदी की तरफ जा रहा होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो रही होगी, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचकर जब ये थोड़ी देर के लिए यहां पे स्टे करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सिफर हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट पे कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, उसके बाद स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट जो है 500 ग्राम का जो मैस है इसमें अब नीचे आना, जब ये नीचे आएगा स्टूडेंट तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, और जमीन से टकराते वक्त इसकी तमाम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में तब्दील हो जाएगी, और ये कहते हैं जमीन से टकराते वक्त ये काइनेटिक एनर्जी यहां पे मालूम करें। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम जो है ये एनिमेशन जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम इसका डाटा लिखते हैं स्टूडेंट्स डाटा, तो यहां पे स्टूडेंट डाटा में गिवन है स्टोन का जो मास बताया गया एम इज इक्वल टू 5500 ग्राम। अब स्टूडेंट यहां पे आप कहेंगे सर मास का ऐसा यूनिट तो हमने किलोग्राम पढ़ा है, लेकिन यहां पे मास जो है वो ग्राम में है,
तो अब इसका क्या करें, तो स्टूडेंट इसको आपने किलोग्राम में तब्दील करना है। अब स्टूडेंट्स ये जो ग्राम जो है ये छोटी इकाई है, यानी जब हजार ग्राम होते हैं तो वन केजी बनता है, ये ग्राम जो है छोटी इकाई है, तो जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाते हैं तो स्टूडेंट्स तकसीम करते हैं, और जब बड़ी इकाई से छोटी में आते हैं तो जरब देते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे ग्राम क्योंकि छोटी इकाई है, इससे हम बड़ी इकाई यानी केजी में जा रहे हैं, तो हम इसको फिर क्या करेंगे, हजार पर तकसीम करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे ही हम हजार पर इसे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगा 1/2, और 1/2 होता है 0.5 के बराबर केजी। अब स्टोन का मैस जो है वो एसआई यूनिट में आ गया, स्टोन का मैस यानी एम बराबर है 0.5 केजी। अब स्टूडेंट उसके बाद इस प्रॉब्लम में वेलोसिटी बताई गई है, वेलोसिटी बी इज इक्वल टू 50 मीटर फी सेकंड। तो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें मैक्सिमम हाइट पर, उसके बाद कहते हैं काइनेटिक एनर्जी मालूम करें मैक्स जब ऑब्जेक्ट जमीन पर इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये जमीन के साथ टकराता है। तो अब स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन हल निकाल लेते हैं इसका। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ के मुताबिक कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि एनर्जी जो है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। जिस तरह से इस एनिमेशन में यहां पे बॉल की काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे बॉल बुलंदी पर गई तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में जो है तब्दील होना शुरू हो गई, और मैक्सिमम हाइट पे जाकर इस बॉल की तमाम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके बाद जैसे ही बॉल ने नीचे आना शुरू किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होना शुरू हो गई, और जमीन के करीब तक इसकी तमाम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो चुकी। लेकिन ये एनर्जी हमेशा रहती ही कॉन्स्टेंट है, तो लिहाजा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी ये तमाम पोटेंशियल एनर्जी जमीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी होगी। तो स्टूडेंट जब बॉल जो है इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करेगी तो इसकी तमाम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो चुकी होगी, तो लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो आप स्टूडेंट हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². अब स्टूडेंट यहां पे देखें जिसम का मैस जो है 0.5 kg, और जो वेलोसिटी है स्टूडेंट जिसम की वो है 15 मीटर फी सेकंड। तो अब स्टूडेंट्स ये हमने डाटा जो है सवाल में दर्ज कर दिया, तो ये 1/2 0.5, और इसका मतलब है 15 × 50 × 10^2 का मतलब है 15×15। अब स्टूडेंट्स इन सभी कैलकुलेटर्स होंगे आप लोगों को, 15 को 15 से जरूरत दें और फिर 0.5 से जरूरत दें और दो पर तकसीम कर दें, तो हमारा जवाब आ जाएगा 56.25। जो तो स्टूडेंट उसके बाद आपने यहां पे एक लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड कर ली, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 56.25 जूल। तो आप स्टूडेंट्स हम अपने थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, आज की हमारी थर्ड प्रॉब्लम है 6.6। तो आप 6.6 को हल करते हैं, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ स्लोप 6 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम A साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर फी सेकेंड
find the kinetic and potential energy of the cyclist, the mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. तो आप स्टूडेंट्स इस एनिमेशन को एक डायग्राम से समझते हैं, तो कहते हैं कि इस तरह की स्लोप है, ये आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स को, तो इस पे कहता है कि एक साइकिल सवार है, साइकिलिस्ट है, मैं यहां पे साइकिलिस्ट बना देता हूं स्टूडेंट, ये हमारा साइकिल है और ये स्टूडेंट एक साइकिल बना रहा हूं मैं, साइकिल, फिर इस प्रॉब्लम को समझते हैं, साइकिलिस्ट बना रहा हूं साइकिल। अब ये स्टूडेंट्स तो यहां पे आप स्टूडेंट्स अभी मैं साइकिलिस्ट को भी बिठा देता हूं, ये साइकिलिस्ट बैठा हुआ यहां पे। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को समझते हैं, तो कहता है कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाइट, तो स्लोप की हाइट कहता है यहां पे बुलंदी जो है स्टूडेंट्स वो बताई गई है h, वो बराबर है 6 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड, अब साइक्लिस्ट की स्पीड बताई गई है वो है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब स्टूडेंट्स दूसरी यहां पे बात गिवन है, द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हैज बाइसाइकल इज 40 kg, साइक्लिस्ट और साइकिल पे सवार बंदे का जो मास है स्टूडेंट्स वो बताया गया है, वो है 40 kg। तो अब स्टूडेंट्स क्या कहता है, फाइंड द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो स्टूडेंट कहता है कि मैक्सिमम बुलंदी पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, और जब ये साइक्लिस्ट चढ़ाई चढ़ रहा है तो उस वक्त कहता है स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। तो अब स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम हमें समझ आ गई है, अब इसका डाटा हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, डाटा यहां पे है इस प्रॉब्लम का कि साइक्लिस्ट और बाइसाइकिल का जो मास है वो गिवन है स्टूडेंट्स, वो है 40 kg, और साइक्लिस्ट और साइकिल की जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, और जो बुलंदी स्टूडेंट बताई है स्लोप की हाइट वो है 6 मीटर। अब स्टूडेंट कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स ये दोनों डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, इनके फार्मूला भी हमें आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसी दिशा में पोजिशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं, और पी इज इक्वल टू एम जी एच। तो अब स्टूडेंट्स यहां पे एम जो है जिसम का और साइक्लिस्ट और साइकिल का मास है वो है 40 kg, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी कीमत स्टूडेंट हम जानते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड होती है, और बुलंदी यहां पे 6 मीटर। तो अब स्टूडेंट्स इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पे 2400 आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी 2400 होगी। तो अब स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स अब फाइंड कर लेते हैं, तो हम जानते हैं कि किसी जिस्म में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m × v². अब स्टूडेंट हम मास की कीमत दर्ज कर देते हैं यहाँ पे, मास हमारे पास 40 kg है और जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो 1.5 t². अब स्टूडेंट्स ये 220 = 40, तो ये इससे डिवाइड करेंगे 20 आ गए, तो ये 20 रह गया स्टूडेंट हमारे पास। अब यहां पे 1.5 को 1.5 से जरा दे रहे हैं, क्योंकि 1.5 का स्केयर उसका मतलब है 1.5 × 1.5। अब स्टूडेंट्स इन तीनों मकदारों को कैलकुलेटर से जरूर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 45 joule। तो स्टूडेंट्स अब हमने इस प्रॉब्लम की काइनेटिक एनर्जी बी फाइंड कर,
स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम 9th क्लास की तमाम फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करने वाले हैं कुछ दिनों में, और जिसका स्टूडेंट्स आपको फायदा होगा, फिजिक्स आप हमसे पढ़े इंशाल्लाह आपको मजा आएगा और आप अच्छे नंबर हासिल करेंगे फिजिक्स में। और अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।